अच्छा है कि लोगों को गाना पसंद आ रहा है, व्यूज उतने मैटर नहीं करते मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जो आपके जानने वाले हैं एंड फ्रॉम द फिटर्निटी, म्यूजिक फिटर्निटी फिटर्निटी से जो भी लोगों के मैसेजेस या कॉल्स आए हैं, और आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपको एक्चुअली वन ऑन वन इंटरेक्शन हो जाता है आपके फैंस से, तो 99.9% लोगों को गाना तो कमाल ही लग रहा है. सो मेरे लिए और क्या है, क्या चाहिए एक आर्टिस्ट को? मतलब यार सबको सब तारीफ करेगा ना कि जी मतलब जी यू आर द फर्स्ट यू नो सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर जो बोल रहे हो मुझे व्यूज मैटर नहीं करते हैं। बाकी सब लोग तो व्यूज के जी पीछे पड़े रहते हैं ना, यूट्यूब पे कितने व्यूज आ रहे हैं। मैं दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा राज जोन्स, और आज मेरे साथ मेरे शो पे 11 एक्सक्लूसिव मौजूद है बहुत ही जबरदस्त एंड सुपर टैलेंटेड म्यूजिक कंपोजर एंड सिंगर जिनका नाम है सोहेल सेन। तो तालियां बजाकर स्वागत करो मेरे भाई का, तालियां। व्हाट्स अप भाई, कैसे हो? फर्स्ट क्लास राज है, क्या क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, मतलब बेहतरीन आपका स्टूडियो, चलिए थैंक्स. यहीं से वो बेहतरीन सॉन्ग्स निकलते हैं जी. सबसे पहले मेरे भाई बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, यू नो आपका जो हाउसफुल 4 का नया गाना है चुम्मा, वो 24 आवर्स में मोर देन 20 मिलियन व्यूज नंबर 2 पर ट्रेंडिंग करा था, अभी अभी 30 मिलियन है मेरे ख्याल से. जी हाँ, अभी 30 मिलियन आज सुबह मैंने देखा. हाँ तो यकीन नहीं हो रहा था बट अच्छा है कि लोगों को गाना पसंद आ रहा है. व्यूज उतने मैटर नहीं करते मेरे लिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट. जो आपके जानने वाले हैं एंड फ्रॉम द फिटर्निटी, म्यूजिक फिटर्निटी से जो भी लोगों के मैसेजेस या कॉल्स आए हैं, और आप जब सोशल मीडिया पे जाते हैं तो आपको एक्चुअली वन ऑन वन इंटरेक्शन हो जाता है आपके फैंस से, तो 99.9% लोगों को गाना तो कमाल ही लग रहा है. सो मेरे लिए और क्या है, क्या चाहिए एक आर्टिस्ट को? मतलब यार सबको सब तारीफ करेगा ना कि जी मतलब जी यू आर द फर्स्ट यू नो सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर जो बोल रहे हो मुझे व्यूज मैटर नहीं करते हैं। हाँ. बाकी सब लोग तो व्यूज के पीछे पड़े रहते हैं ना, यूट्यूब पे कितने व्यूज आ रहे हैं। अच्छा गाना ना समीर सर ने लिखा है, जी जी, बहुत ही नॉटी है थोड़ी. हाँ. जो म्यूजिक की वाइब है वो अफगान जलेबी टाइप अरेबिक है, ठीक है. सो मुझे बताओ मतलब गाने के बारे में, हाउ डिड दिस सॉन्ग एवर, मतलब इतना फनी और इतना नॉटी सॉन्ग. जी 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 ये हम लोग, क्योंकि मैं समीर अंजान जी जो हैं, तो समीर जी के साथ मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ इन दिनों, तो उनके पास एक मुखड़ा था, तो उनका एक स्टाइल होता है एक बोलने का. यार एक टुकड़ा आया है दिमाग में कि ओ मैडम गॉगल वाली, डोंट गो ये दे के गाली, गुंडों से बचाया है मैंने तुझे, नहीं गुंडों से छुड़ाया है मैंने तुझे बचाया है, हाँ पूछ ले सामने जनता है, एक चुमा तो बनता है. तो बोला अरे अंकल ये लाइन कमाल है. तो बोले तू बना इस पे तो क्या हो सकता है. तो हम लोग ऐसे बैठे बैठे वी वर जैमिंग एंड ये गाना वैसे पैदा हुआ. एंड फिर उसको मैंने अल्तमश फरीदी और ज्योति का टंगड़ी, तो हम लोग एक रफ आइडिया आ गया था दिमाग में. एंड उसी दौरान कोइंसिडेंटली मुलाकात साजिद सर से हुई, साजिद नंडार वाला जी. तो उनको गाना बहुत पसंद आया जी, वाज लाइक यार ये तो हाउसफुल 4 के लिए ही बनाया हुआ ऐसा लग रहा है. और ये बहुत जबरदस्त गाना है, मतलब बहुत टाइम बाद कुछ ऐसा नॉटी सुना है मतलब. जी 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 नहीं, कई बार क्या होता है ना, हमारी इंडस्ट्री इस तरीके से वर्क होती है ना कि अगर कोई एक रोमांटिक गाना चल जाता फॉर एग्जांपल, तो क्या होता है ना कि उसके बाद है ना आपको 10 रोमांटिक गाने ही सुनने मिलेंगे, लाइक हार्ट ब्रेक सॉन्ग्स होंगे या कुछ, वो ट्रेंड आ जाता है, वो ट्रेंड आ जाता है. फिर अगर कोई पार्टी नंबर चला है तो फिर आपको नेक्स्ट 6 महीने के लिए ना आपको वो पार्टी नंबर ही, जब तक वो थीम को निचोड़ ना ले. हाँ निचोड़ ना ले. तो ये गाना मुझे लगता है इट्स लाइक ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज़ कि ये इस वक्त पे आया है कि लोग इस पे इसको सुनकर डांस तो करेंगे ही करेंगे और इस पे मजा भी आएगा लोगों को सुनने में. मजा भाई जी. अच्छा दूसरा मेरे था उसको अरबिक फील क्यों दिया आपने मतलब गाने को? अरबिक फील लकीली उसमें ऐसी कोई द काइंड ऑफ मूवी इट इज़, पहले आप तो ये देखें कि हाउसफुल 4 जो है वो उसे वैसे ही बोला जाता है कि इट्स अ स्लैपस्टिक कॉमेडी के 1, 2, 3, 4, तो इसमें कोई ये रिसर्च वर्क नहीं होता है कि अच्छा अभी अरेबिक है तो उसमें वहाँ पे क्या एलिमेंट्स आने चाहिए, स्क्रिप्ट में क्या है क्या नहीं, कि इट्स अ फन सॉन्ग और द काइंड ऑफ फ्रेंचाइजी इट इज़ हाउसफुल 4 के इसमें सोचो मत, इसमें आपको इंजॉय करना है, चाहे वो स्क्रिप्ट हो या वो एक्टर्स जैसे यू आर सीइंग देम डांसिंग ऑल व्हाइल क्रिएटिंग द म्यूजिक. तो इसमें कोई ऐसे हमको वो नहीं था कि ये मत करो वो मत करो, बोले जो आपको अच्छा लगता है
जो फुल आजादी, हाँ फुल आजादी थी इसमें। सही है भाई, मतलब जो जितनी मेहनत आप कर रहे हो मतलब गाना उतना जबरदस्त फाड़ रहा है, सब लोग उसे पसंद कर रहे हैं। अच्छा एक चीज जाननी थी मतलब आपकी लाइफ को लेके, मतलब आपने कोई रूल बनाया कि कम काम करना और जबरदस्त काम करना? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बट काम चाहे कोई भी करो आप, चाहे कम करो ज्यादा करो, लेकिन अच्छा करो तो बेहतर है। अच्छा अच्छा और बुरा वो हमें भी नहीं पता होता कई बार कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। फ्रॉम अ क्रिएटिव पॉइंट ऑफ व्यू आपको लगता है कि हाँ ये यार ये मैंने ठीक ठाक कर दिया है, द रेस्ट इज अप टू द ऑडियंस टू डिसाइड कि गाना गाने को चलाना है नहीं चलाना है, या एंड काफ़ी सारे फैक्टर्स भी प्ले होते हैं। तो मेरा ये मानना रहा है कि मैं चार गाने करूँ और इफ़ आई एम नॉट एबल टू गिव माई 110% ऑन दोज सॉन्ग्स, तो इससे बेटर है मैं कि दो ही गाने करूँ, बट एज अ क्रिएटिव पर्सन आई शुड बी सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे कि नहीं यार मैं सेटिस्फाइड हूँ जो मैंने काम किया है। कि हाफ हार्टेडली नहीं करना चाहिए, अच्छा है जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट 10 सॉन्ग्स डजंट मेक सेंस। मतलब फैक्ट है मतलब कि देखो मेहनत से करूंगा लेकिन कम करूंगा और अच्छा काम दूंगा। हाँ वो तो ऑडियंस बताएगी अच्छा है या नहीं, बट आई विल गिव माय बेस्ट। ठीक है सर, ऐसे खतरनाक काम करते रहो। अच्छा यू नो आपकी फैमिली में यू आर द फोर्थ जनरेशन जो म्यूजिक कर रहे हो, सारे म्यूजिक सब म्यूजिक में थे, तो यू नो जब आप मतलब अंदर से था या मतलब जबरदस्ती मतलब डैड ने? नहीं तो क्या वो होता ना कि घर में होता है आपके कि बेटा तू अब इस लेगेसी को आगे लेके जाएगा। तो या तो माय फैमिली वाज वेरी स्मार्ट कि बचपन से ही कि म्यूजिक हाँ एज ए टॉय ना, मेरे घर पे कीबोर्ड आते थे या हारमोनियम है या कोई भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, तो बेटा ये है इससे खेल लो, तो कभी एक्चुअल टॉयज के साथ हमने नहीं खेला है। तो when you're growing up ना तो आपको ऑटोमेटिकली बिकॉज जीन्स में है वो, पिछले तीन पीढ़ियों से म्यूजिक करते आ रहे हैं हम, मैं चौथी हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली आप इंक्लाइन हो जाते हैं म्यूजिक के तरफ। एंड when you actually work and when you actually create a song, सुर तो वही साथ हैं, बट जब आप कुछ अच्छा बनाते हैं और वो जब चीज़ जब बाहर आती है और लोगों को पसंद आती है, मतलब 100 करोड़ की आबादी आप अगर देखेंगे उनमें लोगों तक आपका काम जा रहा है, तो मुझे लगता था यार इससे बेस्ट काम है ही नहीं कोई, कि इट्स नॉट अ 9 to 5 वर्किंग जॉब कि आपको आना है काम करना है चले जाना है, मन हो तो आओ काम करो, अगर क्रिएटिव आगे तो कहाँ आप काम कर लो और सारा दिन इसी में रहना, आपको कहीं आना आने जाने की ज़रूरत नहीं है। एंड तो ये सारी चीज़ें जो फैक्टर हैं, मुझे लगा था कि नहीं यार म्यूज़िक ही करना चाहिए, दो आई वॉज वेरी गुड इन स्पोर्ट्स जब मैं स्कूल में था 6th-7th स्टैंडर्ड तक, फर्स्ट सेकेंड ही आता था मैं रनिंग में 100 मीटर रेस में। 7th के बाद जैसे जैसे मैंने म्यूज़िक करना शुरू किया तो फिर वो ध्यान पूरा म्यूज़िक की तरफ गया। सो मतलब आपके बाद जो 5th जनरेशन होगी वो भी म्यूजिक करेगी? हाँ वो भी म्यूजिक करेगी, उसके बाद वाली भी मुझे लगता है म्यूजिक ही करेगी। अच्छी बात है, मतलब लेगेसी को आप आगे बढ़ा रहे हो और जबरदस्त काम कर रहे हो। अच्छा मेरे को जानना है, जब भी कोई सॉन्ग आप बनाते हो सो यू नो आपके जो डैड है समीर सेन जी, उनको सुनाते हो मतलब उनसे अप्रूवल लेके जाते मिलते हैं? वो तो मैंने एज अ स्कैनर रखा है उनको के जो गाना है ना उनके उनसे स्कैन होकर ही जाएगा कानों तले बिकॉज क्या है बहुत इट्स अ काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर मी कि मेरे घर में एक इंसान है हु इज़ बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर 50 इयर्स, तो उन्होंने हर म्यूज़िक का दौर देखा है, इतने लोगों के साथ काम किया है, तो अगर मैं उनका ओपिनियन नहीं लूँगा तो मेरे से बड़ा तो इडियट होगा नहीं कोई। तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि मैं जो भी बनाऊँ मैं पहले एक बार उनको सुना दूँ, एंड ऑफकोर्स जो उनके सजेशन होते हैं वो बहुत कमाल के होते हैं, एंड फिर उन चीज़ों को भी इनकॉर्पोरेट करता हूँ मैं। तो मैं आप जितने भी गाने सुनते हैं ना मेरे, चाहे वो तूने हमारी एंट्रियां हो या कैसा ये इश्क है या पनघट पे नाचे मधुबाला या फॉर एग्जांपल एक चुमा या हाउसफुल 3 से टांग उठा के, वो सब उन्होंने सुने हुए हैं और आज वो गाने उतने अच्छे कर रहे हैं हर जगह, वो दैट्स वन ऑफ द रीज़न बिकॉज ऑफ हिज ओपिनियन। मुझे देखो अच्छी बात ये ना कि आप आपके डैड है वो उनके कानों तले सब सारे अप्रूवल करते हैं, बट जैसे समीर सर हैं, समीर सर आपके डैड, ये मतलब दिग्गज लोग हैं। अरे अब एक चुम्मा जो गाना है वो 18 साल के लौंडे या 19 साल के, वो समझ रहे फील वैसी है। सो मतलब कभी कभार होता है ऐसा कि मतलब वो रिलेट कर पाते हैं?
हाँ क्यों, क्योंकि जब लिख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल, और यू नो मतलब आपके डैड जैसे कि अब गाना पूरा चुम्मा पे, यू नो आपके डैड इतने सीनियर है, बोलते हैं अरे चलेगा नहीं, मतलब आप उनकी क्या ओपिनियन होती है, मतलब वो जानना है मेरे को। ओपिनियन तो खैर क्या है, देखिए एक क्रिएटिव पर्सन जो होता है ना उसके लिए कोई बंदिश नहीं होती है, कि वो एज वो तो नहीं है, एज फैक्टर होता नहीं है। अगर आप 60 के भी हो जाएंगे या आप 70 के भी हो जाएंगे तो जो क्रिएटिव इंसान है ना वो जहनी तौर पर कभी एज नहीं करता, क्योंकि उसका काम ही वो है कि उसे जो आने वाली जनरेशन है उसके साथ भी मिलकर काम करना है। फॉर एग्जांपल आनंद बख्शी साहब को ले लें अगर आप, या जितने भी उस वक्त के राइटर थे, तो उनकी राइटिंग इतनी फ्रेश थी टिल द टाइम जब तक उन्होंने काम किया है। तो ऐसे समीर जी हैं कि जैसे उन्होंने लिखा था तू शायर है मैं तेरी शायरी आशिकी, या अभी ये इच्छु मातो बनता है, या फिर उन्होंने जो चार बज गए लेकिन पार्टी, अब वो चार बजे थोड़ी कभी गए होंगे पार्टी में मुझे जहाँ तक लगता है, बट स्टिल ही रोट दैट सॉन्ग। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक चुमाव की भी आप बात कर रहे हैं तो वो बस आ जाती है क्रिएटिविटी दिमाग में कि कुछ अल्फाज आ गए, उन्होंने उस चीज़ को पेपर पे उतार लिया एंड फिर शेयर किया एंड फिर गाना बन गया उसका। तो सर ने बोला था कि भाई ये सुपर हिट गाना है। नहीं एक्चुअली सबसे अच्छी बात ये है इस टीम की कि जब भी मैं या समीर जी काम करते हैं वी नेवर थिंक अबाउट कि गाना चलेगा या नहीं चलेगा। कुछ गाने हैं ना एज अ कंपोजर हमको भी लगते हैं कि यार ये गाना कहीं कुछ तो भी गड़बड़ हो रहा है, सो लेट्स वर्क ऑन इट, ये होता है वो एक हिंट मिल जाता है। बट लेकिन ये नहीं पता, ये अश्योरिटी नहीं होती कि देयर आई कैन राइट इट ऑन स्टैम्प पेपर कि यार ये गाना सुपर हिट है आप इसको रिलीज करो। ये दुनिया में कोई क्रिएटिव पर्सन नहीं कर सकता ये कि गाना चलेगा नहीं चलेगा, इट्स इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ऑडियंस। हाँ सही है, मतलब जो ये टीम है मतलब ये सारे दिग्गज लोग हैं और आप यंग खतरनाक काम कर रहे हैं। अच्छा ये आपके डैड जो चाचा भतीजे की जोड़ी थी समीर सेन जी दिलीप सेन जी, तो मुझे बताओ यू नो जब फोर्थ जनरेशन आप हो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा उनका? ऐसे तो बहुत है यार, मतलब है बहुत, मैंने अपनी जिंदगी के स्टार्टिंग करियर में मैंने उनको असिस्ट भी किया था। जैसे दिलेर पाजी का गाना था ओए होए कुड़ियां शहर दिया, तो मैं एज अ म्यूजिक प्रोग्रामर था उसमें, तो मैंने वो गाना प्रोग्राम भी किया था और मैं फर्स्ट टाइम सीइंग दिलेर मेहंदी जी इन फ्रंट ऑफ मी, तो वो भी एक एक स्टार स्ट्रक वाली फीलिंग थी। और इनके मतलब आई थिंक जो मेरे जो दिल के करीब है गाने जो दिलीप सेन समीर सेन के हैं वो जिद्दी में से थे कुछ गाने, अफलातून में कुछ अच्छे गाने थे, ये दिल लगी में होठों पे बस तेरा नाम है कुलचाना, हाँ ओले ओले, फिर देन मेहरबान एक मूवी आई थी जिसमें अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते, सोनू निगम जी ने गाया था वो। तो गाने तो खैर बहुत हैं कि जिनसे, और उस वक्त आई स्टिल रिमेंबर कि हम लोग आई वॉज इन बहुत फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड, अब स्कूल से घर आते थे फिर घर से है ना चलो यार डैड क्या जाके आते हो जा स्टूडियो जाके आओ क्या चल रहा है, क्या चल रहे हैं। मुझे अभी भी याद है जुल्म की हुकूमत हाँ मूवी आई थी जिसमें प्रोड्यूसर यही थे साजिद नडरवाला सर, एंड डैड का म्यूजिक था उसमें, तो चिकलो चिकलो गाना हो रहा था, हाँ मुझे शूट हो रहा था, मुझे याद है गाना, मतलब मैंने बच्चों ने उस टाइम का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सॉन्ग शॉट उस वक्त का, तो हम गए तो वी वर ऑल शॉक्ड कि ऐसा भी कोई दुनिया होती है, बिकॉज वो सेट इतना ह्यूज लगाया हुआ था उन्होंने। एंड कट टू एंड नाउ आई एम वर्किंग विद हिम साजिद सर के साथ, तो वो एक एक कमाल बॉन्डिंग है वो, मतलब जो बॉन्डिंग है वो अभी दोबारा चल रही है ना, आप काम कर रहे हो पहले डैड काम करते थे और आपने इतने सारे बताए, मुझे एक याद है अफलाटून से सो गाना था अफलाटून आपको पता है, तो जो कंट्रोवर्सी हुई थी उस टाइम पे उस गाने में यू नो गाली वो क्या आपको पता होगा? देखो सर नहीं हालांकि जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप ना तो मुझे भी पूछा था अरे यार ये क्या कर दिया इन्होंने, बट लॉट ऑफ पीपल डजंट नो अबाउट इट के एक होता ना कि एक आर्टिस्ट अपनी धुनकी में रहता है और तो वो गा रहे थे माइक पे, अब उन्होंने गाया था चूड़ी वर्ड, हाँ तो वो चूड़ी वर्ड तो सुनाई दिया नहीं, अब वो अब जैसे फॉर एग्जांपल ये माइक है अब आप चूड़ी बोलेंगे तो सुनाई देगा, अब चूड़ी तूड़ी के चक्कर में रेडी तो निकल गया, जो चीज़ नहीं रहनी थी वो रह गई, तो वो ऐसा कोई डेलिब्रेट अटेम्प्ट नहीं था कि हमको उनको ऐसा कुछ करना था। आई थिंक कीज भी होता गाने 15 साल, हाँ 15 कुछ साल कुछ आई थिंक चला, अब रिलीफ मिला ना, आई थिंक सो, मुझे आई एम नॉट टू श्योर अबाउट इट। So, yeah. मतलब जब इस तरह की चीजें होती है मतलब जब आप तो जब आपने पूछा तो उनका क्या आंसर था?
बोला अरे नहीं बेटा ऐसा नहीं किया था हमने, कि ताकि बच्चों पे गलत इम्प्रेशन ना हो. एंड द काइंड ऑफ वर्क दे हैव डन यार, वो वोटों पे बस तेरा नाम है और मेबी ये खबर छपवा दो अखबार में, अफलातून, एंड देन हम तुमसे ना कुछ कह पाए फ्रॉम जिद्दी, एंड मतलब जितने तो छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं. अच्छा भाई 13 साल की उम्र से आप काम कर रहे हो, जो जर्नी रही आपकी मुझे उसके बारे में बताओ. क्योंकि हमारी क्या खानदानी परंपरा है ना, हमारे यहाँ पे 6-7 साल की उम्र से ना बच्चों को म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं. और जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम वर्किंग, तो अभी मेरे घर के जो जितने मेरे कजन्स हैं ना हु आर अराउंड 17, 18 या 19, सो दे आर विथ मी, तो मुझे असिस्ट करते हैं वो कि काम कैसे होता है, कैसे बनते हैं गाने या क्या है. तो ये एक तरीके की पढ़ाई है. और व्हेन आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज 7 और 8 ईयर ओल्ड तो मैंने तबला सीखा था. फिर उसके बाद मैंने 6 साल पियानो भी सीखा. टोनी पिंटो सर थे जो बांद्रा में उनका घर था, वहाँ जाके मैं, उस वक्त इंस्टीट्यूट नहीं होते थे कि आओ एक 3 महीने का आप क्रैश कोर्स, समर वेकेशन वाला कोर्स करा दे और पैसे लूट लेते. हाँ उस सब जगह ये तो वो नहीं था. तो जेन्युइनली ही वाज वन ऑफ द बेस्ट पियानोइस्ट इन आर, ही स्टिल इज. कैनेडा शिफ्ट हो गए हैं वो, तो मैंने उनसे सीखा 6 साल पियानो. सो आई हैड नॉलेज ऑफ बोथ रिदम अरेंजमेंट्स एंड हारमोनी सेक्शन. तो ये चीज़ें सारी बहुत हेल्प की व्हेन आई स्टार्टेड कंपोजिंग. सो 13 साल की उम्र में मुझे याद है कि मम्मी आए स्कूल लेने, एंड रोशनी करके मूवी थी, टेली फिल्म थी, उसके लिए मैंने कंपोज किया था. कविता कृष्णमूर्ति जी ने गाया था. तो अब स्कूल में प्रिंसिपल अलाउ नहीं कर रहे थे कि नहीं हाफ डे तो आप नहीं ले सकते हैं. सो मॉम वाज लाइक चलो. तो हम बिना बताए माँ बेटे हम वहाँ से निकल आए. तो मैं सीधा आया स्टूडियो में, आया तो मैंने गाना रिकॉर्ड किया, उनको याद कराया पहले कविता कृष्णमूर्ति जी को. तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि एज अ कंपोजर. फिर मुझे लगा नहीं यार ये अभी इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से और सीखेंगे, क्योंकि म्यूज़िक इज़ समथिंग, इट्स नेवर एंडिंग. आप कभी ये नहीं बोल सकते अब मैं सीख गया हूँ म्यूज़िक, अब मैं कुछ करता हूँ. आई एम स्टिल लर्निंग, मैं अभी भी आई फील कि आई एम स्टिल अ स्टूडेंट. कि अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ लिखते हो तो मैं आपके साथ बैठूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने ही मिलेगा उससे. तो 13 साल की उम्र में किया. फिर उसके बाद देन आई असिस्टेड माय अंकल. तो काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि बालाजी टेली सीरियल्स जो आती थी, कसौटी की जिंदगी की, कुमकुम या कसम से या कहानी घर की, क्योंकि साज भी कभी बहुत थी, तो वो सारे गानों को मैंने प्रोग्राम किया है. So I've assisted my uncle that time and I did that for around 7-8 years. फिर simultaneously dad को भी assist किया. And जो finally मुझे लगा 20-21-22 साल की उम्र में कि नहीं यार अब आई थिंक अब एज अ म्यूजिक कम्पोजर आना चाहिए लाइन में. दैट्स हाउ देन वॉट्स योर राशि, मेरे ब्रदर की दुल्हन, गुंडे, सब ये सब हो गए. मतलब जर्नी काफ़ी अच्छी रही. अच्छा मेरे को यू नो जब आप वो रोशनी टेलीफिल्म जब आप कर रहे थे, सो मतलब यू नो आपने दिलेर पाजी के लिए प्रोग्राम किया, सो मतलब ऐसे जो सीनियर है तो कविता कृष्णमूर्ति जी मतलब रिकॉर्ड करो तो जो आप यू नो मेरे को इस तरह से चाहिए तो सुनती थी मतलब कौन बच्चा है मतलब ऐसे तो नहीं. शी वाज वेरी स्वीट के नहीं. हाँ सुहेल जी आप जैसे बताएं, आप बताएं कैसे गाना है, मैं वैसे गा दूंगी. तो मेरे लिए बहुत खुश नसीबी की बात है कि एट द स्टार्ट ऑफ माई करियर I worked with such legends. बीच में आपने एक और लेजेंड के साथ काम किया जो मेरे बहुत फेवरेट है, बप्पी लहरी सर. जी. जो गाना था तूने मारी एंट्री, मतलब ये जो पहले एक था टाइगर में जाने वाला था फिर वहां से कैंसिल हुआ क्योंकि फिल्म की सिचुएशन कुछ और थी. सो उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनके साथ कमाल रहा. हम लोग हालांकि हम लोग गए थे गाना रिकॉर्ड करने असलामेश को. तो ये उनका बपिदा का गाया हुआ है. तो फिर मैंने बिकॉज ही इज वर्क विथ माई फादर एंड माई फादर वॉज हिज असिस्टेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम. अच्छा. नमक हलाल एंड नमक हराम जो भी पिक्चर आई थी उसका, शराबी. तो उसमें एज अ रिदम अरेंजमेंट डैड ने किया हुआ काम. तो मेरी खुशनसीबी थी. तो मैंने उनको मैंने चाहा कि अभी जब मैं मिल ही गया हूँ इनसे तो मैं इनको गाना सुनाता हूँ.
एंड उनके उनका फीडबैक लेता हूँ मैं. मैंने बोला बप्पी जी ये मैंने बनाया आप बताओ. तो बोला अरे तो कमाल है इसका, इसका बांग्ला वर्जन होना चाहिए. तो एंड बिकॉज मूवी इस तरीके की थी कि हम लोग साइमल्टेनियसली वी वर रिकॉर्डिंग बंगाली लिरिक्स ऑल्सो एंड देन ही केम अप विद एन आइडिया कि जो टन टन है इसको इंट्रो में ना यू गाइस यूज इट एज ऐशोना देन ही रोट दोज लिरिक्स के अमार मुंटा दिए जाओ ताड़ा ताड़ी ऐशे जाओ ऐशोना ऐशोना. सो ये होता है कि जब व्हेन यू वर्क विद सच काइंड ऑफ लेजेंड्स कि कुछ ना कुछ. और मैं हमेशा शुरू से ये मानता हूँ कि गाना मेरे अकेले का नहीं है, इट्स द एंटायर टीम व्हिच इज एसोसिएटेड विद इट. मुझे याद है ना जब गाना इतना जबरदस्त हिट हुआ सारे रेडियो स्टेशन प्ले कर रहे थे एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम यू नो बप्पी लहिरी सर वर्किंग विद वायरफ. जी 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 जी. अच्छा ये मुझे पता नहीं था. मैं रिसर्च कर रहा था तो तब मैं जब कपड़ा अच्छा दिस इज द फर्स्ट टाइम यू नो क्योंकि उन्होंने बांग्ला वर्जन कंपोज किया था ना जी इसी सॉन्ग का. नहीं बांग्ला वर्जन कंपोज नहीं किया था उन्होंने उन्होंने गाया था पूरा. जी हाँ तो वो गाना मैंने ही बनाया था बट उन्होंने गाया उसको बंगाली वर्जन जो हमने किया था वो उसमें उन्होंने गाया था वो भी सुपर हिट था उस तरफ. जी जी जी. अच्छा मुझे बताओ सबसे ज्यादा आप क्या एंजॉय करते हो म्यूजिक कंपोज करना या सिंगिंग? सिंगिंग तो देखिए वो बाय चांस हो गई है कि खुद के गाने आदमी गा लेता है. स्क्रैच एक कंपोजर जो होता है खुद के गाने वैसा कि स्क्रैच. हाँ क्योंकि अभी जैसे मैं फॉर एग्जांपल कोई सिंगर अवेलेबल नहीं है तो मैंने अगर कुछ गाना बनाया है तो एक स्क्रैच लेवल पे मैं खुद गा लेता हूँ उसको कि बिकॉज वो गाना बनाते बनाते मैं इतनी बार गा चुका हूँ उस गाने को तो इट्स ईजियर टू सिंग योर ओन सॉन्ग. तो ये चलन चला व्हाट्सएप राशि से कि व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट सारे गाने आपने गाए तो सारे गाने मैंने गाए नहीं थे मतलब पिक्चर में तो सारे आप हाँ तो मैंने जावेद साहब के यहाँ से जब भी लिरिक्स आते थे तो वो मैं डब करके एक्चुअली सेंड इट टू आशु सर तो वो सुनते थे फिर अप्रूव होता था फिर देन हम लोग आगे काम करते थे. तो मैंने वैसे डब करके फिर देन एक दिन उन्होंने आशु सर ने बुलाया मुझे अपने कैबिन में. ही वाज लाइक यार सुहेल व्हाट आई एम थिंकिंग कि गाने तो हैं हमारे पास जब हमारा कैरेक्टर एक है मूवी में जैसे हरमन भवी जब वाज प्लेइंग द लीड रोल और जब वो ही गा रहा है हर गाना तो फिर वॉइस अलग क्यों करनी है. सो लेट्स कीप द सेम वॉइस. तो मैं बोला ठीक है तो फिर किससे गवाएंगे. तो ये बोला कि किससे क्या गवाना तेरी आवाज़ सूट हो रही है उसको. तो बोले अरे ऐसे कैसे. तो बोले नहीं है वो आई सॉ द विजुअल्स जब हम लोग शूट कर रहे थे तो अमन हरमन के फेस पे वॉइस बहुत करेक्ट जा रही है एंड आई थिंक तूने अच्छा गाया है तो ये वॉइस देने नहीं देते. मैं बोला सर ऐसा मत करो नहीं तो पीपल विल स्टार्ट थिंकिंग कि यार ये अच्छा म्यूजिक डायरेक्टर है तो गाने खुद ही गा रहा है ये अपने सारे के भी हैड आई हैड अ लिस्ट ऑफ सिंगर्स कि नहीं यार ये गाना इसको गाना चाहिए ये गाना इनको गाना चाहिए बट वैसा हुआ नहीं. तो कंपोजिंग म्यूजिक हैज़ ऑलवेज बीन माई फर्स्ट लव क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप क्रिएट कर रहे हो कोई चीज़ के एक जो धुन निकलती है ना वो क्रिएट कर रहे हो आप और उस धुन को गाने वाला इज़ अ इमिटेटर. कि मैंने अगर मैं फॉर एग्जांपल किसी को गाना भी याद कर रहा हूँ तो सामने वाला इमिटेट कर रहा है उसको बट जो क्रिएट करना है उन्हीं सात सुरों में और वो चीज़ सुनाई भी फ्रेश देनी चाहिए तो उसका एक अलग हर बार न्यू साउंड और हर बार न्यू साउंड एंड न्यू कॉम्पोजिशन. तो वो एक जो पूरी एक्सरसाइज है ना इट्स द बेस्ट फीलिंग आई फील. भाई ये ऐसे ही काम करते रहो मतलब और खतरनाक गाने बनाते रहो. मुझे बताओ भाई कि ना सबसे टफ सॉन्ग कौन सा था और सबसे फन कौन सा था जो आपने कंपोज किए जिसमें गाने तो आज ऐसे हो गए कि हर गाना टफ है. पहला हाँ तो इट्स नेवर इजी बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना है एंड यू हैव टू बी एट योर बेस्ट. जैसे फॉर एग्जांपल अब आपने बोली दिया एक तो जैसे व्हाट्सएप राशि के मैंने गाने किए थे तो वहाँ पे क्या था कि यार ये स्क्रिप्ट है इसके हिसाब से गाने होने चाहिए एंड तो मैंने गाने बना दिए. फिर उन आशु सर के साथ मैंने सेकंड मूवी भी की थी खेले हम जी जान से दीपिका पादुकोण एंड अभिषेक बच्चन वॉज देयर. तो वो पूरा एक पुराने ज़माने के गाने थे तो वी रिकॉर्डेड 90-95% ऑफ लाइव इंस्ट्रूमेंट्स. तो वो भी एक जर्नी कमाल एक्सपीरियंस था. देन आई व्हेन आई शिफ्टेड टू यशराज फिल्म्स एंड मेरे ब्रदर की दुल्हन वाज माय फर्स्ट मूवी एंड उसका गाना
आई स्टिल रिमेम्बर कि हम लोग वी वर वर्किंग ऑन कैटरीना कैफ्स इंट्रोडक्शन सॉन्ग धुन की और ये क्रैक नहीं हो रहा है. मैं बोला यार मैं गाने बना तो रहा हूँ बट रिजेक्ट हुए जा रहे हैं क्योंकि क्या है एवरी आई थिंक कैंप बोल लो या एवरी पर्सन हैज इट्स ओन टेस्ट. तो वायर एफ यशराज फिल्म्स का क्या टेस्ट है वो मुझे समझने में इट टुक मी 5-6 डेज और मे बी इवन मोर. फिर मैंने एक दिन बैठ के मैं बोला यार गाने क्रैक हो नहीं रहे हैं. मैंने पूरे गाने सुने जो यशराज फिल्म से आए हैं आज तक. फिर मुझे एक रफ आइडिया समझ में आया एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ सॉन्ग विच वॉज धुन की लागे. बहुत हिट हुआ था द मोमेंट मैंने गाना बनाया एंड आदि सर हर्ड इट वॉज लाइक ये मिल गया गाना यही तो चाहिए था. एंड फिर उसके बाद इरशाद कामिल आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट राइटर्स डॉक्टर इरशाद कामिल या तो उनके साथ फिर और मज़ा आया काम करने में कि उन्होंने लिखा कि धुन की लागे. और फिर उसके बाद तो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक. फिर कैसा ये इश्क है जब सारे इश्क है फिर पनघट पे नाचे मधुबाला एंड देन दो धारी तलवार. फिर मुझे समझ में आ गया पूरी एल्बम सुपर हिट थी. हाँ टच उड बहुत ही वर्चुअल राशि एक था टाइगर जी जी जी. फिर वो सो धुन की लागे वाज द फर्स्ट सॉन्ग वी रिकॉर्डेड एंड व्हिच वाज द टफेस्ट. वो पहले वो फर्स्ट सॉन्ग था जो रिलीज हुआ था. हाँ और सबसे फन जो गाना था ना वो मुझे मजा आया था तूने मारी एंट्री में कि एज अ क्रिएटर नो एज अ म्यूजिक डायरेक्टर आपको लगता है कुछ अच्छे सुर छिड़ जाए या कुछ अच्छी बात बन जाए या आ जाए. तो ये गाना है ना मतलब फन में ही बना है कि अब अच्छा नॉर्मली भी अगर आप गाओगे ना तो कुछ ऐसी नायाब चीज़ नहीं है. तो बहुत फन तरीके से इसको गाने को करने में मज़ा आया जो भी हमने इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड किए हैं जो भी टीम थी उस वक्त. और मतलब ये समझ लो कि नाचते नाचते गाते गाते गाना बन गया. हाँ वन ऑफ द मोस्ट फन. हाँ ठीक है भाई. अच्छा मेरे को ये जानना है यू नो आपके डैड ने आपको यू नो कोई स्पेशल टिप्स दी हाउ टू डील विद द इंडस्ट्री द टच हुड. वो भार है ना मैंने अभी भी डैड पे ही छोड़ा हुआ है. अच्छा कि मैंने स्टार्ट वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट तो तुझे जो भी जितने भी फाइनेंशियल मैटर्स है ना क्योंकि एक क्रिएटिव पर्सन के लिए मुझे ये लगता है कि द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी कि अच्छा अभी यहाँ से क्या है ये कितने में गाना करना है मतलब जो भी एक्स वाई जेड. सो आई डोंट गेट इनटू ऑल दैट. इट्स हर चीज़ है ना डैड बढ़ जाती है. हाँ वो हैंडल करते हैं. मैं आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय डैड कि द मोमेंट आई वर्क ऑन अ सॉन्ग एंड व्हेन आई एम इन द स्टूडियो द म्यूजिशियंस आई वांट. कल को ये नहीं होना चाहिए कि यार नहीं इसकी ये गाने का इतना बजट नहीं है. यू कैन हैव सच म्यूजिशियंस. तो वो मैं आई लेट डैड टेक केयर ऑफ दैट. और बाकी टिप्स यही है डैड की यही बोलते हैं वो कि काम अच्छा करते चलो क्योंकि अगर आज आपने कोई एक अच्छा काम किया ना वो वही काम से है ना आपको आगे और काम मिलेगा. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स ही इज़ गिविन मी कि चाहे आप फॉर एग्जांपल जैसे मैंने हैप्पी भाग जाएगी की थी आनंद एल राय साहब के साथ मुदस्सर अजीज वो द डायरेक्टर एंड फिर उसके बाद हैप्पी भाग जाएगी 2 भी की मैंने तब भी मुझे यही था कि नहीं यार ये मैं गाने अच्छे करूँगा ना तो ये गाने जो भी सुनेंगे वो सुन के भी देन आई गेट वर्क. मेरा हमेशा से ये मानना रहा है. फॉर एग्जांपल आज भी मुझे सुबह ही क्योंकि हैप्पी भाग जाएगी की बात निकली उसमें एक लाइन थी होश बातों का अक्सर नहीं था दिल हमारा तो शायर नहीं था. तो ये मुझे किसी ने टिकटॉक बना के भेजा कि बोलो सर वी लव दिस कॉम्पोजिशन ऑफ योर्स. हाँ तो काम अच्छा करते चलो बाकी सब ऑटोमेटिकली मिल के. हाँ मतलब हैप्पी भाग जाएगी मैं एक आशिक करे गाना था ओ मेहरबा में वो बहुत सही गाना था. वो भी तेरा 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 आशिक हुआ आशिक तेरा तेरा वो भी बहुत चला बहुत चला था जी जी. अच्छा भाई मुझे बताओ फ्यूचर में यू नो आपके क्या क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं क्या कोलैबोरेशंस आ रही है. फ्यूचर में अभी आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइम फॉर म्यूज़िक एंड म्यूज़िक से रिलेटेड जो भी आर्टिस्ट हैं. पहले क्या होता था कि आपका जो म्यूज़िक है ना वो फिल्म म्यूज़िक तक सीमित है कि इट्स प्रीडोमिनेंटली टारगेटेड टूवर्ड्स फिल्म म्यूज़िक कि अगर आपने फिल्म म्यूज़िक में अच्छा काम किया तो फिर देन आपकी लाइफ सेट है. अब ऐसा
सिनेरियो इंडिपेंडेंट सीन, अब इंडिपेंडेंट सीन बहुत ग्रो हो रहा है, इंडिपेंडेंट म्यूजिक बहुत ग्रो हो रहा है. सो मैं काफ़ी लोगों को भी ये बोलता हूँ, स्पेसिफिकली जो पीपल हु वॉन्ट्स टू कम इन टू फिल्म इंडस्ट्री एज अ सिंगर और एज अ लिरिक्स राइटर्स, वो तो आप करें ही करें, बट द सेम टाइम आप खुद के लिए भी काम करें. हम तो क्या, चलो फिल्म इंडस्ट्री या प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं, बट एन आर्टिस्ट शुड वर्क फॉर हिमसेल्फ ऑल्सो. कि इसलिए मैं ये साल आई स्टार्ट कमिंग अप विथ माई ओन ओरिजिनल सॉन्ग्स ऑन माई यूट्यूब चैनल, एंड तो वो एक जो क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन है कि अब वी कैन टेक दैट लिबर्टी ऑफ कमिंग आउट विथ ओरिजिनल्स एंड आर ओन कॉम्पोजिशंस. तो ये टाइम बहुत कमाल है मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक के लिए. और आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आई कम आउट विथ कपल ऑफ माय ओरिजिनल्स सिंगल्स. तो वो भी आपको एक चीज़ सुनने मिलेगी कि चलो फिल्म म्यूजिक तो किया है मैंने, जब मैं खुद के लिए एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक करूँगा तो उसमें क्या सुनने मिलेगा, दैट्स गोना बी इंटरेस्टिंग. खुद के लिए क्या लिखते हो, खुद के लिए क्या बनाते हो वैसा? हाँ, कि जिसमें किसी की रोक टोक नहीं है, रोक टोक नहीं है, कोई चेंजेस ना हो, कोई ये नहीं है. हाँ, ठीक है, जो दिल से निकली हुई बात है वो दिल तक पहुंच जाए बस. और कुछ वेट करें सर, वो यू नो सॉन्ग्स आए मेरे भाई. दूसरा यू नो अगर इफ यू वांट टू कोलैबोरेट एनी रैपर तो वो कौन सा रैपर होगा? रैपर्स तो खैर देखिए अभी जितने भी हैं, सुनते हो आप रैप म्यूजिक? कम सुनता हूँ, बट रैप से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट सुने हुए मैंने कुछ कुछ लोगों के वजह से बट जैसे आई लव व्हाट रफ्तार डज, बादशाह ऑन हिज ओन इज वेरी गुड, एम वी बंटाए हैं जो वो हैं, मतलब हैं काफ़ी सारे रैपर्स हैं जो डूइंग नेजी दबा वो हैं. तो एक आर्टिस्ट को है ना, एक म्यूजिक डायरेक्टर या म्यूजिक कंपोजर को सब चीज़ सुननी चाहिए. कल को अगर यही सिचुएशन आ गई यार एक रैप गाना चाहिए, सो आई शुड एबल टू कंपोज दैट ऑल्सो. क्योंकि मैंने कोशिश की थी अपना लव पर स्क्वायर फुट जो नेटफ्लिक्स में फिल्म थी उसमें एक गाना था, तो मुंबई फाइनेस्ट करके एक रैप ग्रुप था, एस निंजा एंड हाँ, तो उनके साथ फिर मैंने कोलैब किया था वो गाने पे, विच वॉज अबाउट द मुंबई सिटी एंड विकी कौशल वॉज नॉट द विकी कौशल दैट टाइम, बट लेकिन अच्छा था वो. हाँ, तो वो तो एक इंसान को सबको सुनना चाहिए. ठीक है, फ्यूचर में मतलब समझ गया, मतलब कुछ ना कुछ कोलैबोरेशन आएंगे विद सम मदर. हां, यू नेवर नो, यू नो, जब आप अपने लिए करोगे उसमें तो जरूर मेरे ख्याल से फ्यूचर. सो भाई फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर आए हो तो मैं ऐसे खाली हाथ आपको जाने लूंगा. अरे अर्बन मंकी और राज जोंस की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है. थैंक यू सो मच रॉबर्ट. पक्का? हां कुछ है तो नहीं ऐसे? नहीं, बम नहीं है. अच्छा, ओ वाओ, सो देयर सम कूल कैप्स. ओ लवली लवली, आप आराम से पहनना, चिल कर मैं क्या बात है. हाँ, ये तो अटायर के साथ भी जाएंगे वैसे तो. यस, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू यार, थैंक्स. थैंक्स भाई, आप मेरे यू नो आप शो पर आए और आप को होप यू लाइक देम. क्या यस, थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा बाकी. ये हो गई सेट. हाँ, सो भाई फर्स्ट टाइम आप मेरे शो पर, जैसे मैं बोलता हूँ राज जोंस दिल्ली का सबसे फिल्मी लौंडा, तो मेरे शो पर आकर आपको कैसा लगा भाई? बहुत अच्छा लगा यार, वन ऑफ द इजीएस्ट इंटरव्यू ऑफ माइन. क्योंकि क्या है ना, आप एक अच्छे होस्ट तो हो, बट एक आर्टिस्ट को है ना कितना इजी फील कराना है. एंड अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे घर में बैठ के दो दोस्त बात करते हैं ना, बात करते हैं, तो वो हाँ, तो वो फीलिंग आ रही है एकदम. And it was great catching up. Thank you, bhai. Future mein thanks aap mere show par hai. Future mein khatarnak kaam karo, G phad gaon ko. Thank you.